हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों को क्लास दसवीं के विज्ञान का फिजिक्स, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को आज आप लोगों सॉल्यूशन बताने वाले हैं। ये क्लास दसवीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसी तरह से आपकी एग्जाम बोर्ड में पूछा जाएगा, जेएससी के एग्जाम बोर्ड में। तो ये क्लास दसवीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करें। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो ये रहा आप लोगों का पहला प्रश्न, स्क्रीन में लिखा हुआ है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर किसी वस्तु का आकार में 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा पता लगाएं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हल करने से पहले जो मान दिया रहता है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो U यहाँ पर दिया है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, आप लोगों को पहले वीडियो में बताए हैं, ठीक है ना, कि कोई भी दर्पण हो, अवतल उतल, तो हमेशा वस्तु की दूरी क्या होती है, माइनस में होता है। तो यहाँ पर वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, माइनस 10 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया है किसी वस्तु का आकार में 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो आवर्धित के मतलब यहाँ पर आवर्धन दिया है 3 गुना, ठीक है ना, 3 गुना क्या दिया है, आवर्धित प्रतिबिंब है, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों कि अवतल दर्पण में हमेशा आवर्धन क्या होता है, माइनस में होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, भी दर्पण में कहां पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। तो भी बराबर वाट, तो अब क्या करेंगे, आवर्धन सूत्र से फाइंड आउट होगा, किससे होगा, आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र से। तो आवर्धन सूत्र क्या होता है, यानी m बराबर माइनस भी बटा यू होता है, माइनस भी बटा यू। अब आवर्धन ये जो सूत्र दिया गया है, ये सूत्र में क्या करेंगे हम लोग, मान पुट करेंगे, तो आवर्धन कितना दिया है, 3 गुना, ठीक है, यानी माइनस 3 लिखेंगे, बराबर माइनस भी हम लोग को क्या करना है, निकालना है, यानी फाइंड आउट करना है, माइनस भी बटा यू। तो यू में क्या दिया है, माइनस 10 सेंटीमीटर, यानी वस्तु की दूरी। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछी गुना। तो 1 से माइनस भी में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस भी बराबर, और ये माइनस 3 गुने माइनस 10 गुना करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब माइनस भी यहाँ पर है तो ये इसके लिए हो जाएगा, यानी भी बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यानी प्रतिबिंब की दूरी माइनस 30 सेंटीमीटर दूरी पर है से वस्तु का मतलब प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। तो कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर अवतल दर्पण पर रखा गया है, रखने पर या रखा गया है, तो उसका अगर आकार 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो उसका प्रतिबिंब है से माइनस 30 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो इसी प्रकार अगला प्रश्न है, दूसरा लिखा हुआ है, किसी ऑटोमोबाइल में उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है, यदि इस दर्पण द्वारा किसी बस की दूरी 5 मीटर निर्धारित की जाती है। यहाँ पर बस की दूरी कितना दिया है, 5 मीटर निर्धारित की जाती है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को भी क्या करते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहले हम बताए हैं कि जब भी प्रश्न को हल करेंगे तो जो मान दिया रहता है उसको सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर u दिया है, u कितना दिया है, यहाँ पर वस्तु की दूरी 5 मीटर, वस्तु की दूरी कितना दिया है, 5 मीटर, यानी इस दर्पण द्वारा किसी बस की दूरी 5 मीटर निर्धारित है। तो हमेशा याद रखिए, वस्तु की दूरी हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है, तो माइनस 5 मीटर, ठीक
ठीक है। अब यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दिया है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या को आर से दिखाते हैं, तो आर कितना है यानी त्रिज्या 3 मीटर है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रतिबिंब, ठीक है ना, प्रतिबिंब की दूरी यानी भी निकालना है। तो दर्पण सूत्र से हमें एफ चाहिए, आर तो यहाँ नहीं है, तो एफ हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर त्रिज्या का आधा होता है एफ, ठीक है ना। तो 3/2 क्या हो जाएगा, 2, तो 3 से 2 में हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा 1.5, ठीक है ना। तो 1.5 मीटर क्या आ गया, फोकस दूरी, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किसे, अब यहां पर लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब ये सभी में क्या करेंगे, ये सूत्रों में मान पुट करेंगे, ठीक है ना। तो f हम लोगों को यहाँ पर क्या दिया है, 1/f, f कितना आया है 1.5 मीटर बराबर 1/v, भी हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, बताना है कि प्रतिबिंब की दूरी कहाँ होगी या प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। 1/u प्लस 1/u, तो u क्या दिया है यहाँ पर, वस्तु की दूरी -5 मीटर। अब इसको आगे हल करते हैं, सोल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1/v इधर ही रहेगा, ठीक है, 1/v इधर ही रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान रहे दोस्तों कि ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ दोनों माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। तो ये 1/5 है, -1/5, ये इधर आ जाएगा 1.5 तरफ, यानी 1/1.5, और ये देखिए प्लस माइनस हुआ तो इधर होके प्लस हो जाएगा, तो 1/5, ठीक है ना। तो 1/v बराबर 1.5 है, तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ऊपर 10 हो जाएगा, 10/15 प्लस 1/5। अब 15 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 एकम 15, 10 से 1 में गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, प्लस 5 3 15, 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 1/v बराबर 10 और 3 कितना हो जाएगा, 10 और 3 जोड़ेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 13/15, क्या लिखाएगा, 13/15। अब हम लोगों को भी फाइंड आउट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, ठीक है ना। क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो भी है से 13 में गुना होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 13 भी बराबर 15 हो जाएगा, 13 से भाग देंगे 15 में, या देखिए 13 भी के साथ क्या है, गुना में है, तो इधर आके भागा में हो जाएगा, यानी बटा में हो जाएगा, तो 13 से भाग देंगे 15 में तो क्या हो जाएगा, 1.15, ठीक है, यानी भी बराबर हम लोग को क्या फाइंड आउट हो गया यहाँ पर, 1.15 मीटर, ठीक है ना, 1.5 मीटर, और ये क्या में आया, प्लस में आया, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, आवर्धन निकालेंगे, ठीक है ना, आवर्धन से, ठीक है ना। तो आवर्धन से m बराबर क्या होता है, h2/h1 या -v/ क्या होता है, u होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आवर्धन हम लोग जब फाइंड आउट करेंगे तो माइनस भी है, तो यहाँ पर भी कितना आ गया, प्रतिबिंब की दूरी, तो 1.15 बटा u, ठीक है ना। u कितना है यहाँ पर, u हम लोगों को यहाँ पर दिया है -5 मीटर, और यहाँ पर देखिए दोस्तों कि प्रतिबिंब क्या है, प्लस में आया, तो सूत्र में है क्या है, माइनस में है, ठीक है, तो माइनस इस तरह से हो जाएगा। तो बटा में नीचे ऊपर यानी अंश और हर दोनों में माइनस रहता है, तो ये माइनस क्या हो जाता है, कट जाता है, ठीक है ना। तो 5 से हम क्या करेंगे, 1.15 में क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 0.23,
ठीक है ना, यानी m बराबर आ जाएगा 0.23, ठीक है ना, 0.23। तो इसका 0.23 आ गया, तो इसका स्थिति क्या हो जाएगी, 1.15 मीटर की दूरी पर ऐसे प्रतिबिंब बनेगा, और आकार कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा, और प्रकृति कैसी होगी, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो ठीक है दोस्तों, बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।